हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवर्ड सिंह। हमारा जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है उसके हमने पीछे कुछ लेसन्स पढ़े थे, जिसमें हमने एक ही अभी तक टॉपिक कंप्लीट किया है, वो हिस्टोरिक बैकग्राउंड वाला। उसके जो आज हम इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे, बट आपका जो बाकी जो सेशन होंगे इसके आगे जो आपको इंडियन पॉलिटी का जो जो लेक्चर्स आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आएंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है एसआई के पेपर के लिए। तो कोशिश करूँगा मैं कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एटलीस्ट कम्प्लीट हो जाए। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो हिस्टोरिक बैकग्राउंड पे एमसीक्यूज हैं, आप खुद ट्राई करना एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने की। मैं जो क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके बाद आप वीडियो पॉज कर लेना और उसके बाद खुद अटेम्प्ट करने की ट्राई करना। मैं तो आपको आंसर्स बता ही दूंगा, बट आप और एक और काम करना, आपकी जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताऊँगा, जो आंसर बताऊँगा वो आप रिलेट करना अपनी पीडीएफ के साथ। और मुझे नहीं लगता है इधर इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा इस वाले टॉपिक से, तो चलो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मैंने आपको बोला था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट, वाइस रॉय ऑफ इंडिया फर्स्ट और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये आप अच्छे से आपको टिप्स पे होने चाहिए। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, फर्स्ट है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड मायो, सी है विलियम बेंटिक और डी है वारेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपको पता ही है, डी विलियम हेस्टिंग्स। ठीक है, इसका आंसर जो है डी होगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये अब याद रखना, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात की है, बंगाल की बात नहीं की है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? तो आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड मायो, बी विलियम बेंटिक, सी वारेन हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड कैनिंग। अब हमने पहले देख लिया कि वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो पीछे कि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे पहले, तो ये तो नहीं हो सकते। उसके बाद कौन से ऑप्शंस बचे, ए बी और डी? तो उसमें से हमारा जो आंसर है इसमें से वो है ऑप्शन बी विलियम बेंटिक। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, अब तो इजी हो गया होगा आपके लिए क्योंकि दो तो पहले एलिमिनेट हो गए। तो ए है इसमें विलियम बेंटिक, बी है वारेन हेस्टिंग्स, सी है लॉर्ड मायो और डी है लॉर्ड कैनिंग। अब विलियम बेंटिक तो देख लिया हमने और वारेन हेस्टिंग्स भी हो गए, ये दोनों तो हमने पीछे आंसर कर लिए। तो इसके बाद हमारे दो ऑप्शन बचते हैं, लॉर्ड मायो और लॉर्ड कैनिंग। तो हमें पता है कि लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बने थे, तो आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन डी होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ एट कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच एक्ट? तो इसके ऑप्शंस है आपके पास, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सेकंड है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, थर्ड ऑप्शन है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और फोर्थ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आपको पता था कि सबसे पहला ही जो हमने एक्ट पढ़ा था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था उसमें सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 होगा। अब नेक्स्ट, विच एक्ट इज आल्सो नाउन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मैंने आपको बोला था ये वाला आपको याद होगा थोड़ा, अगर आपने लेक्चर अच्छे से अटेंड किया होगा, कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में आपने, मैंने सिर्फ एक चीज़ बोला था कि किसको बोलते हैं, आप सिर्फ ये याद रखना, क्वेश्चन आएगा भी तो यही आ सकता है। तो आपके ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सेकेंड है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, थर्ड ऑप्शन है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और फोर्थ ऑप्शन है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो आपको पता है कि ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो हम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को कहते हैं, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद आया था। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले किस एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो आपका आपके ऑप्शन है पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सेकंड है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, थर्ड ऑप्शन है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और फोर्थ ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आपको पता था कि जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद आया था, क्योंकि उससे पहले जो था सिर्फ एक ही बॉडी होती थी जो कंट्रोल करती सारे अफेयर्स। उसके बाद जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो किसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो
उसकी वजह से जो है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बन गई थी। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच एक्ट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया, दैट इज द इंडियन ट्रेड वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल द ब्रिटिश मर्चेंट्स, हाउएवर इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो ये वाला क्वेश्चन जो है उसका मैं समरी बता देता हूँ आपको, क्योंकि तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट बन गई है कि जो ट्रेड मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो स्टार्टिंग से चलती आ रही थी, बट किस एक्ट के बाद जो है उनकी ट्रेड मोनोपोली को लिमिट कर दिया गया है, ऑलमोस्ट एंडे कर दिया गया, और सिर्फ उनको ट्रेड के लिए इजाज़त दी गई। कहाँ कहाँ? सिर्फ टी में ट्रेड कर सकते थे और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते, बस उसके बगैर बाकी जो है उनकी पावर जो है वो ले ली गई थी, और बाकी जो ब्रिटिश मर्चेंट जो थे उनको उनको ट्रेड करने की परमिशन दे दी गई थी। तो इनमें से किस एक्ट में वो ये वाला जो प्रोविजन था वो इंक्लूड किया गया था? पहला ऑप्शन है आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सेकंड है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, थर्ड है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और फोर्थ है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। मैंने जो आपको आप बोला था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बट उससे पहले पहले एक इंपॉर्टेंट एक्ट आया था जिसमें एक ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो मेरे को लगा था, एक तो ये वाला था और दूसरा क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया था, वो कौन सा था? जो आपका ऑप्शन फोर्थ है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एबॉलिश द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एंड इंट्रोड्यूस्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में, तो उसको एबॉलिश कौन से एक्ट में किया गया था? और उसी एक्ट में एक और चीज़ की गई थी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है उनकी भी इंट्रोडक्शन हुई थी। तो कौन सा वाला एक्ट था? तो आपके ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी ऑप्शन है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, सी ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और डी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसमें थोड़ी आप करेक्शन कर लेना। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसकी जगह आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाला कर देना। तो ये वाला जो होगा यही इसका आंसर होगा। तो शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो जो आपकी PDF जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसमें ये वाला एरर जो होगा फिक्स कर दूंगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा? 1858, जिसको हम गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज ऑल्सो नाउन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म? तो आपके ऑप्शन है ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी चार्टर एक्ट 1833, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, एंड डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो आपको पता होगा कि जो मैंने आपको बताया था कि जो मॉर्ले जो थे तब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, और जो मिंटो थे वो वाइसराय ऑफ इंडिया थे। तो इनके नाम पे एक एक्ट आया था और उसी एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। अब इनमें से कौन सा एक्ट है? आपको पता होगा जो 1909 वाला जो ये वाला जो एक्ट था इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते थे। सो जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। और एक और चीज़ याद रखना कि जो मिंटो थे उनको फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट इन इंडिया भी कहते थे। अब आगे चलते हैं। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच एक्ट? तो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है उसकी इंट्रोडक्शन किस एक्ट में हुई थी? तो आपके ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो आपको पता है कि जो 1919 जो था इसको एक और नाम से बोला जाता है, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और इसी में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेजिड्यू पावर्स वाज गिवन टू? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो सब्जेक्ट्स थे उनको तीन लिस्ट में डिवाइड किया था, जिसमें पहली लिस्ट थी फेडरल लिस्ट जो सेंट्रल लेवल पे थी, दूसरी प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। और जो इन तीनों में जो सब्जेक्ट फॉल नहीं करते उसको रेजिड्यूअल सब्जेक्ट्स में रखा था, और वही जो पावर्स जो थी वो इनमें से किसके पास
दी गई थी वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, वाइसराय ऑफ इंडिया या प्रोविंशियल गवर्नर। तो अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है उनके पास ही मैक्सिमम पावर्स रखी जाती है, तो तब जो थे वाइसराय ऑफ इंडिया जो थे उनके पास रेजिड्यू पावर्स रखी गई थी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब आगे चलते हैं। आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। यहाँ पे एरर हो गया, यहाँ पे वाज नहीं है, यहाँ पे इन होगा। तो थोड़ा सा इसको देख लेना, यहाँ पे इन होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो आपके ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब आपको मैंने बोला था कि आरबीआई वाला आप ज़रूरी याद रखना ही रखना है आपको, तो ये किसमें था, ये था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। अब आगे चलते हैं। हु वॉज द लॉ मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। आपको पता है इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी इंडिपेंडेंट से पहले 1946 में, तब बहुत सारे अलग अलग पोर्टफोलियो अलग अलग मिनिस्टर्स को दिए गए थे, उनमें से मैंने आपको बोला था एक कि लॉ मिनिस्टर वाला ज़रूरी याद कर लेना, और मैंने इसमें देखो क्वेश्चन बस डाल भी दिया है। तो आपके ऑप्शन है इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जोगिंद्र नाथ मंडल और सरदार बलदेव सिंह। अब इसका जो आंसर है मैंने आपको बोला था जो फ्री इंडिया में जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे वो कौन थे, बी आर अम्बेडकर, और इंटरिम गवर्नमेंट में कौन थे वो, जोगिंद्र नाथ मंडल। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी। तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जो थे तब उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स और बाकी भी पोर्टफोलियो अपने पास रखे हुए थे, सरदार पटेल होम मिनिस्ट्री, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री, आपको पता ही है। तो चलो अब आगे देख लेते हैं। तो आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। विच एक्ट इज़ आल्सो नाउन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया। अब मैंने आपको बोला पीछे भी मेंशन कर दिया कि कौन सा वाला एक्ट था, तो आपके चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो आपको मैंने बोला था गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो किस वाले एक्ट को कहते थे, फिर से यहाँ पे देखो यही वाला टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जगह 1858 आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसका जो आंसर है यही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है इसी को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया कहते हैं। तो हमारे एमसीक्यूज यहीं पे एंड होते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि जो इस टॉपिक में से इससे बाहर कुछ आएगा, आप जो पीडीएफ दिए वो पढ़ लो और ये वाला पढ़ लो तो इस टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इससे आगे जो जो भी लेक्चर आएंगे आज के बाद वो सारे के सारे मैं ट्राई करूँगा कि उनमें एमसीक्यूज लेक्चर के साथ ही इंक्लूड कर दूँ, ताकि आपके थ्योरी एंड एमसीक्यूज जो हैं एक ही में कंप्लीट हो जाए, और इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे उन्हीं को कंप्लीट करने की पहले कोशिश करेंगे। तो टिल देन गुड बाय, जय हिंद।